नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24। मैं हूं आपके साथ गिरिराज सिंह राठौड़। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर से आ रही है बड़ी खबर। बड़गाम में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस समय जारी है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर। डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन लगातार भारतीय सुरक्षा बल कर रहे हैं। आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है, तो मुठभेड़ हुई जिसमें एक आतंकी ढेर और दो आतंकवादियों की तलाश इस समय जारी है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम से ये बड़ी खबर, जहां पर इस समय डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन भारतीय सुरक्षा बलों का चलाया जा रहा है। और इस सर्च ऑपरेशन में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। एक आतंकवादी को मार गिराया है, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी बताया जा रहा है, जबकि दो आतंकवादियों की तलाश जारी है। दो आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला है, जिसके बाद डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर। बड़गाम में जहां पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर किया है, और मुठभेड़ में आतंकवादी को ढेर करने के बाद अब सर्च ऑपरेशन चलाया गया है डोर टू डोर, और दो आतंकवादियों के छिपे होने की अभी भी इनपुट है, जिस पर तलाश उनकी जारी है। तो जम्मू कश्मीर का बड़गाम जिला, जहां पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और भारतीय सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया, इस आतंकवादी का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से बताया जा रहा है। इसके बाद इनपुट ये मिला कि अभी भी दो आतंकवादी इलाके में छुपे हुए हैं, और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के लिए वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कश्मीर से, ये बड़ी खबर। बड़गाम में आतंकवादियों के छिपे होने का इनपुट मिला था, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, और अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। दो आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है।